दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज हमारे पास जो है एक होमेज का ट्रॉन ड्यू मॉडल जो है ये रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसमें हम आपको प्रॉब्लम बता देते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये बैकअप मोड पे तो चल रहा है लेकिन एसी इनपुट बिल्कुल नहीं दे रहा। सेट मैंने खोला हुआ है और आज हम इंशाल्लाह ताला जो है एसी मोड पर ही थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको एसी मोड का सेक्शन भी बताता हूँ, उसका तरीक़ेकार भी बताता हूँ, इनपुट वोल्टेज सेंस कैसे होती है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, मैं सेट को दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, मैंने सेट खोला हुआ है और इसके अंदर जो है ना इनपुट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये इनपुट के ऊपर आठ यहाँ पर लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें क्या आई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि इसमें इनके घर पे जो हमारे कस्टमर हैं हाई वोल्टेज आ गए थे, जिनकी वजह से जो है इसके अंदर थर्मल प्रोटेक्टर एक लगा होता है, ये जो दो VDR लगे हैं इनके बीच में लगा होता है, तो वो थर्मल प्रोटेक्टर भी उठ गया है। ये देखिएगा, ये थर्मल प्रोटेक्टर है और ये VDR भी ब्लास्ट हो चुका है, आपके सामने है। ये देखिए, इसके ऊपर इंसुलेशन जो है वो चिपक गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं सबसे पहले इनको रिमूव करूँगा, इनको चेक करूँगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, एक बात आपको और बतानी थी, वो बात ये थी कि ये जो थर्मल प्रोटेक्टर लगा होता है ये हीट पर काम करता है, यानी आपके सिस्टम में हीट कितनी है या फिर इनपुट वोल्टेज इतने ज़्यादा हो गए कि आपके जो ये जो आपके VDR लगे हुए हैं, VDR जो है ओवर वोल्टेज के लिए लगता है, तो वो ओवर हीट होना शुरू हो जाता है और उसके इतनी हीट हो जाती है कि ये थर्मल प्रोटेक्टर जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। या दूसरी बात ये कि इसके भी एक मखसूस वोल्टेज होते हैं, जैसे सपोज़ कि आप ये कहें कि ये 280 वोल्ट तक काम करता है, तो 280 वोल्ट से ऊपर अगर हमारे वोल्ट जाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा ये थर्मल प्रोटेक्टर जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है और इस सेट के अंदर यही मसला हुआ है। मैं इस थर्मल प्रोटेक्टर को अभी सिंपली तौर पे मैं इसको जो है आपके सामने, ये देखिएगा, मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, इसको ट्विस्ट करके और VDR को जो है मैं डिस्कनेक्ट कर दूँगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर मैं इसको इनपुट सप्लाई देकर चेक करता हूँ कि इनपुट सप्लाई ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा तो फिर आगे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए जी, मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है। ये थर्मल प्रोटेक्टर नॉर्मली हमारे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उनकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर भी लगा होता है, वहाँ भी ये हीट को चेक करता है और हीट जब ज़्यादा हो जाए, इसकी बर्दाश्त ज़्यादा हो जाए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा घर के अंदर आग लगने से सिस्टम बच जाता है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो आइए हम इसको जो है निकालते हैं और निकालने के बाद हम इसको चेक करते हैं सप्लाई देकर। जी दोस्तों, ये देखिएगा, ये मैंने जो है ये VDR निकाल दिया है। इस पर जो है बाधे जगह पे VDR लिखा हुआ था और बाधे जगह पे TVR, जैसे इस पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इस पर जो है TVR लिखा हुआ है। ये देखिएगा, इस पर TVR लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है 2061, ऐसे कुछ नंबर है जो फट गया है और डिस्कनेक्ट हो चुका है तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद। तो मेरे दोस्तों, ये ख़राबी थी इसके अंदर। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने जो है होमेज ट्रॉन ड्यू जो है इसको ओके कर दिया है, इसकी सप्लाई भी ओके कर दी है। देखे जी, इसके ये नंबर्स जो हैं ये शो हो रहे हैं, 220 वोल्ट आउट कर रहा है और इस वक्त जो है बैकअप मोड पे चल रहा है। तो मैं अभी इसको जो है चार्जिंग मोड पे लगाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखे जी, मैंने इसको चार्जिंग मोड पे लगा दिया है। इसकी LCD जो है थोड़ी सी वो ब्लिंक कर रही है, तो ये देखें जी, ये चार्जिंग मोड पर आ गया है और चार्जिंग सेक्शन इसका ओके हो चुका है। मेरे दोस्तों, यही प्रॉब्लम थी इसके अंदर। और मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ, इसकी बैक साइड से थोड़ी सी आपको सप्लाई के बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको देता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, मैं आपको चार्जिंग के बारे में थोड़ा सा और भी जो है चार्जिंग सेंस के बारे में बताना चाहता था। ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो है वो जो TVR या VDR वो लगा हुआ है और हमारी जो मेन सप्लाई है यहाँ पर है,
तो मेरे दोस्तों मुझे ये बात क्लियर करना थी कि मेन सप्लाई से न्यूट्रल और फेज इन दोनों से जो है ना, इसने ये देखिए 2003 के चार रजिस्टर लगाए हैं और इधर भी चार रजिस्टर लगाए हैं। ये चार रजिस्टर लगाने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी मेन सप्लाई आती है तो ये माइक्रो कंट्रोलर को एक ख़बर पहुंच जाती है कि मेन सप्लाई आ चुकी है, अब आप बराए मेहरबानी जो है सिस्टम को चार्जिंग मोड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो वो माइक्रो कंट्रोलर जो है सिस्टम को चार्जिंग मोड में शिफ्ट कर देता है। तो मेरे दोस्तों ये जो है चार्जिंग सेक्शन मेन सेक्शन के बारे में मालूमात थी जो मैंने आपको दी है। और एक बात और बता दूं कि अगर ये रजिस्टर जो है डीप वैल्यू हो जाए तो आपका सेट चार्जिंग पर शिफ्ट नहीं होगा, और अगर इनका जो लिंक है जो माइक्रो कंट्रोलर तक जाता है, जो वायरें जाती हैं प्रिंट जाते हैं, वो भी अगर ख़राब हो जाए तो भी आपका सेट शिफ्ट नहीं होगा। यानी सप्लाई इनपुट लेते हुए नज़र आएगी कि इनपुट हो रही है लेकिन वो शिफ्ट नहीं होगा, तो यहाँ भी फॉल्ट हो सकता है। जब भी कोई ऐसा मसला हो सबसे पहले इनको रीसोल्ड करके देख लें। और हाँ, एक चीज़ और, इनके क्रॉस वोल्ट चेक कर लें, यहाँ से यहाँ चेक कर लें, यहाँ से जो है ना यहाँ क्रॉस चेक करें और यहाँ से यहाँ क्रॉस चेक करें, तकरीबन 130 से 150 वोल्ट आने चाहिए। अगर 130 से 150 वोल्ट आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो सिस्टम ये ठीक है, आगे चल के कोई ख़राबी हो सकती है। तो ये मालूमात थी जो मैंने आपको देनी थी। तो आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं।